हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मैसूर बोंडा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसे हम बिल्कुल ऑथेंटिक टाइप से बना के दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बोंडा बनाने के लिए हमने एक बोल लिया है, उस पर एक झरनी रख लिया है। तो ये अपना पहला इंग्रेडिएंट्स है मैदा। मैदा हमने एक बोल में एक कटोरी लिया है। मैदे को हम इसमें डाल देंगे। साथ में हमने लिया है आधी कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा अपना बोंडा को क्रिस्पी करेगा, तो ये कंपल्सरी है। अब हम अच्छे से चावल का आटा और मैदा झाड़ लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। बोंडा में जीरा भी मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसे डालना जरूरी है। ब्लैक पेपर, हींग और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पहले डालने का फायदा है ड्राई इंग्रेडिएंट्स कि अच्छे से मिक्स हो जाता है, नहीं तो हम बाद में डालते हैं तो कहीं पे पहुंचता है, कहीं पे रह जाता है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ कड़ी पत्ता। ये बहुत ही जरूरी होता है, तभी बोंडा का टेस्ट आता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और हम इसमें अपना थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं। सबको हम चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने धनिया पत्ता, अदरक, मिर्च सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे हम एक छोटी कटोरी दही डाल रहे हैं। दही थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार हम पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बोंडा का घोल ज्यादा पतला नहीं होता है। इसको एकदम गाढ़ा, जैसे कि हम मेंदू वड़ा बनाते हैं उसी तरीके का पेस्ट बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक मिक्सर की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने दही और पानी की मदद से मैदे को इतना अच्छा फेंटा है। अब हम हाथ की मदद से इसे फेंटेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, मैदे को अच्छे से फेंट लेना। जितना अच्छा हम मैदा फेंटेंगे उतनी बढ़िया अपनी बोंडा बनेगी। तो हमने अपने बोंडा के घोल को एक ही डायरेक्शन में करीबन 10 मिनट तक फेंटा है। आप देख सकते हैं ये कितना हल्का हो गया है। अभी हम इसे ढक के आधा से एक घंटा तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा तो आपको मिनिमम रखना है, अगर टाइम हो तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका थिकनेस हम दिखाएंगे, कितना फ्लफी अपना बेटर तैयार हुआ है बोंडा के लिए। तो चलिए हम ढक के इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक अपना बोंडा का पेस्ट फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम लोग नारियल की चटनी तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेश नारियल लिया है, जिसे हमने टुकड़े में काट लिया है। अब हम एक मिक्सर जार में इसे डाल देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेंगे, आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। और इसमें हम साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, क्योंकि बाद में नमक अच्छे से नहीं पिसता है। बोंडा हो और नारियल की चटनी ना हो तो फिर रेसिपी अधूरी लगेगी। हम अपने पसंद का इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो नारियल की चटनी ही वेस्ट होती है। अब हम इसे बारीक चटनी पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पानी डाल डाल के अपनी नारियल की चटनी तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, ऐसी ही थिकनेस चाहिए बोंडा के लिए चटनी का, क्योंकि बोंडा में हमें लिपटा हुआ चटनी चाहिए। आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डाल के पतला गाढ़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम बोल में ट्रांसफर करके इसमें तड़का लगा लेते हैं। चटनी को हमने बोल में ट्रांसफर कर लिया, अब चलिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच तेल ले रखा है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई का दाना। राई को हम अच्छे से चटकने देंगे।
राई अपनी चटक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द दाल। इसको भी हल्का सा हम ब्राउन होने देंगे, इसे जलने नहीं देना है। तो गरम तेल में हमने डाल दिया, बस इतना ही। अब हम अपने बॉल को हटा लेंगे, यानी कि तड़का पेन को हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कभी भी आप कड़ी पत्ता डालिए तो हटा लीजिए, क्योंकि इससे छींटे उठते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च नहीं है तो हमने यहाँ पे हरी मिर्च यूज किया है। अब हम थोड़ा सा और इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी चटनी के लिए तड़का तैयार है। हम धीरे धीरे इस चटनी पे इसको उलट देंगे। चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तड़का से। तो हम चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बोंडा के लिए अपनी चटनी तैयार है। अब चलिए हम बोंडा का बैटर देख लेते हैं। अब हम अपना बैटर चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले से कितनी अच्छी फुली फुली दिख रही है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ कच्चा नारियल। ये सारे फ्लेवर जब बोंडा में आता है तो मजा आ जाता है। आपके पास जो जो चीज अवेलेबल हो डालिए, एक दो स्किप भी कर लें तो भी चलेगा। फाइनली हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे हम एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। ये तब डालिए जब आपको बोंडा फ्राई करना है, और इसे अच्छे से हम फेंटेंगे। तो फ्रेंड, फेंटने का तरीका हम आपको दिखा दे रहे हैं। यही जो एयर इसमें भरेगा वो अपने बोंडा को फ्लफी बना के देगा, स्पंजी। जितना हम फेंटेंगे उतना ही अपनी बोंडा स्पंजी होगा। तो चलिए हम फेंट के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने बोंडा बेटर को कितना अच्छा से फेंटा है। पहले से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना पानी डाला ना कुछ, फिर भी अच्छा सा तैयार हुआ है। ऐसे ही हमें चाहिए। अब चलिए हम फटाफट गैस की तरफ चलते हैं। जब हम बेटर सेक रहे थे तभी हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। तेल में हमने एक छोटा सा बोंडा डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, बस ऐसे ही तेल हमें चाहिए बोंडा के लिए। अब हम इसी टाइम सारे बोंडे को डालेंगे, यानी कि एक बैच में अपनी जितनी बोंडा आ सके ऐसे हम अंगुलियों की मदद से बोंडा डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे पीसेस डाले थे, पर कितना बढ़िया अपना मैसूर बोंडा फूला है। फ्रेंड्स, यही इसकी पहचान है। सेम डबल डबल हो रहा है, अंदर से जूसी रहेगा और ऊपर से तो करारा हमें करना ही है। तो चलिए हम उलट पलट के फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया करारेदार अपना मैसूर बोंडा बनके तैयार हुआ है। हम झड़नी की मदद से इसे टेढ़ा कर लेंगे और प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम सभी बैचेस तैयार करेंगे। तो आपने देख लिया मैसूर बोंडा बनाना कितना आसान है। खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप दो के जगह चार खा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बोंडा आप भी खाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।